नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। पुलिस प्रशासन के खुफिया सूचना के आधार पर सिलचर के निषिद्धपल्ली क्षेत्र से नेपाल के 7 युवतियों को बरामद किया गया। सूत्र के अनुसार नेपाल के निजी संस्थान शक्ति समूह संस्था नाम के एक एनजीओ की सहयोग से कछार पुलिस प्रशासन ने खुफिया सूचना के आधार पर सिलचर निषिद्धपल्ली क्षेत्र से 4 नाबालिका व 7 युवतियों को बरामद किया। साथ ही कुल मिलाकर 7 युवतियों को इस क्षेत्र से बरामद किए जाने पर संस्थान कार्यकर्ताओं पर कई तकमा लग रहा है। पुलिस प्रशासन निषिद्धपल्ली क्षेत्र से इस क्षेत्र में जुड़े मक्खी रानी लक्खी तावांग नाम की एक महिला को भी गिरफ्तार किया है। 14 जुलाई शक्ति समूह संस्था नाम के संस्था ने नेपाल के एनजीओ के रूप में सिलचर के निषिद्धपल्ली में 2 युवतियों को उद्धार किया था। इसी दौरान एकाएक 18 नवंबर को 7 युवतियों को बरामद किए जाने पर संस्थान पर जहां कई सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर ऐसे तस्करी के व्यापार में जुटे महिलाओं पर भी कड़ी कार्रवाई किए जाने का प्रयास चल रहा है। पुलिस प्रशासन के सहयोग से आखिरकार 7 युवतियों को बरामद कर उनके परिवार सदस्यों के हवाले करने का प्रयास चल रहा है। गौरतलब है कि नेपाल क्षेत्र से अक्सर कई क्षेत्र में ऐसे व्यापार चलते रहते हैं जिसके चलते युवक युवतियों का जीवन पूरी तरह विध्वस्त हो जाता है। नमस्ते, मेरा नाम दिलीप कोइराला, मैं नेपाल के शक्ति समूह नाम के एनजीओ में काम करता हूँ। और जुलाई 14 में यहाँ से 2 लड़कियाँ रेस्क्यू हुई थी इंडियन पुलिस से मिलकर। वो 2 लड़की में से एक लड़की के सूचना के आधार में उसने हम लोग के पास सूचना दी थी कि यहाँ और भी सिलचर में और भी माइनर नेपाली लड़कियाँ हैं जो ज़बरदस्ती सेक्स रैकेट में वो फंसी हुई है। तो उसके आधार में हम लोग यहाँ पर आए थे और यहाँ के पुलिस के जेल सेंटर के पुलिस से मिलकर हम लोग ने आज 7 लड़कियां को रेस्क्यू करने के लिए सफल हुई। उसमें एक जो जिसने वो धंधा चला रखा था उसको भी हम लोग ने एफआईआर दे दिया है उसको कार्रवाई करने के लिए, और वो कार्रवाई शुरू हो रहा है। और हम लोग ने जो कल यहाँ आया तो एक इन्फॉर्मर का हमने पहले वहाँ भेजा था कि वहाँ वास्तव में अभी भी लड़कियाँ हैं कि नहीं। तो वहाँ के जो 14 नंबर का लेकिन 5 नंबर कोठी में जो था उसमें 7 लड़की है कि उसको दिए थे, वही बात हमने पुलिस से ही बात की। और आज हमने जाके वो 7 लड़कियाँ को हम लोग ने पुलिस के मार्फत से रेस्क्यू कराई और एक एक्यूजर जिसने वो धंधा चला उसके ऊपर हम लोग। तो ये सेक्स रिकॉर्ड क्या ऑल ओवर इंडिया लेवल में चल रहा है या? हाँ, वो जो पहले भी लड़की आई थी वो पहले आगरा में ट्रैफिकिंग हुई थी, उसके बाद में ये सिलचर वाला जो ब्रोथेल ओनर उसने खरीद के लिया थे, इसलिए वो नेपाल इंडिया दोनों तरफ से लड़कियाँ ले आके वो करा रहे, ऐसा सूचना हम लोग के पास था।